तो मुझे लगता है कि उनका ये आखिरी मूवी होएगा शायद, तो इस मूवी को हम देखेंगे ज़रूर क्योंकि वो हमारे पसंदीदा एक्टर थे। लाइक मेन स्ट्रीम एक्टर नहीं है वो अच्छे एक्टर है, पुराने एक्टर है, तो आजकल का जनरेशन मुझे नहीं पता देखेगा या नहीं। नहीं मैं नहीं जाऊँगा यूथ ही जाएगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता। एंड इज़ ए वेरी गुड एक्टर एंड इज़ ए वेरी गुड डायरेक्टर ऑल्सो। अभी रिलीज होने के बाद देखते हैं क्या होता है, बेसिकली मैं तो देखूंगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ वर्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ूका। सतीश कौशिक की अपकमिंग फिल्म मिर्ग इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में चल रही है, जहां पर इस फिल्म से उनके फैंस को काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट है, जहां पर सतीश कौशिक की एक अलग ही किरदार झलक नज़र आने वाली है इस फिल्म में। तो चलिए उनके फैंस और ऑडियंस से जानते हैं क्या कुछ लग रहा है उनको इस फिल्म को लेकर। सर, अपकमिंग फिल्म है दिवंगत एक्टर सतीश कौशिक की मिर्ग, क्या लगता है फिल्म का कितना बज़ है और उनके फैन से कितना अटैचमेंट है ये फिल्म को? ये हिमाचल प्रदेश में बेस्ड है ना, अपना आदिवासियों के ऊपर। सतीश कौशिक तो बहुत अच्छे एक्टर थे और एक साल पहले उनकी डेथ हुई है, तो मुझे लगता है कि उनका ये आखिरी मूवी होएगा शायद, तो इस मूवी को हम देखेंगे ज़रूर क्योंकि वो हमारे पसंदीदा एक्टर थे। एज अ फैन सर, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि नहीं रहने के बावजूद भी उनका सिनेमा में जादू ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, तो क्या फैंस का कुछ आपका इमोशन टच है उनसे? उनकी एक मैंने मूवी देखा था स्वर्ग गोविंदा के साथ, जब से मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ और बहुत मानता था, और मेरे नेबर भी थे वही आई रोड में, बहुत अच्छे इंसान थे। जहाँ भी रहें खुश रहें और अच्छे से रहें। अपकमिंग फिल्म सर मृग करके आ रही है, जिसका पब्लिक में एक अलग ही क्रेज़ देखने को मिल रहा है क्योंकि ये फिल्म में दिवंगत एक्टर सतीश कौशिक थे, तो क्या लगता है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल पाएगी? चल पाएगी या नहीं मुझे नहीं पता, बट आई डोंट नो, मतलब बीच में रह सकती है। सतीश कौशिक के मतलब इतने भी फैंस नहीं थे, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो। लाइक मेन स्ट्रीम एक्टर नहीं है वो अच्छे एक्टर है, पुराने एक्टर है, तो आजकल का जनरेशन मुझे नहीं पता देखेगा या नहीं, सो बीच में रह सकती है। बेसिकली सर ये फिल्म कॉमेडी फिल्म है जो कि चार दोस्तों की कहानी है, कहीं ना कहीं हर मजाक मस्ती भी है, तो क्या लग रहा है क्या बस देखने को मिल सकता है? बस देखने को मिल सकता है क्योंकि कॉमेडी फिल्म तो देखते ही है, आई गेस फैमिली देख सकती है, मेरे एज वालों का पता नहीं, यूथ का पता नहीं, बट फैमिली देख सकती है। आप जाएंगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए? नहीं मैं नहीं जाऊँगा यूथ ही जाएगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता, बट फैमिली ऑडियंस या वो सतीश कौशिक के जो फ़ैन है पहले के पुराने वो जा सकते हैं। थैंक यू। सतीश कौशिक के मिर्ग क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पर चल पाएगी? हाँ, ये सतीश कौशिक जी ने पहले भी बहुत फिल्में बनाई है और उन्होंने बहुत सी फिल्में हिट करवाई है, और ये मिर्ग मैंने तो उसका भी पोस्टर नहीं देखा है, बट ऑलरेडी सतीश कौशिक जी ने पहले जैसे उन्होंने पहले बहुत सी फैमिली फिल्में बनाई है, फैमिली ड्रामा बनाई है, तो ये भी एक फिल्मी ड्रामा या कॉमेडी जैसी होगी, और उन्होंने बहुत से फिल्मों में काम किया है, मोर देन 50 फिल्म्स के ऊपर ही उन्होंने काम किया है, तो आई थिंक सो दिस फिल्म विल रियली डू वेल एट दी बॉक्स ऑफिस। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनके फैंस इनसे अटैच है ये फिल्म को लेकर, क्योंकि दिवंगत डेथ होने के बाद, इनकी डेथ होने के बाद ये फिल्म काफ़ी इमोशनल और इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रही है। देखिए सतीश कौशिक जी वॉज ऑलरेडी अटैच विथ बोनी कपूर जी, विथ अनिल कपूर जी, एंड दे आर ऑलवेज मेकिंग ए फिल्म ऑन फैमिली ड्रामा, तो उनकी हमेशा फिल्में फैमिली और एक सोशल मैसेज हमेशा देती है, तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूँ कि ये फिल्म अच्छी बिजनेस करेगी। सर, अपकमिंग फिल्म है सतीश कौशिक की मिर्ग, कितना क्या लगता है कितना बस है और क्या आप देखने जाएंगे? जहाँ तक रही सतीश कौशिक जी की, बहुत अच्छे कलाकार थे और उनकी मूवी हम अवश्य देखेंगे, आएगी तो, और देखनी भी चाहिए सबको, लेकिन फिलहाल तो फर्स्ट संभाजी महाराज। सर, सतीश कौशिक की जो फिल्म है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट मैसेज दे रही है, कहीं ना कहीं यूथ को इंस्पायर कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब उनकी कहानी क्या है मुझे पता नहीं मिर्ग के बारे में, अब वो तो कहानी देखने के बाद ही बता सकता हूँ मैं, ठीक है। सर, अपकमिंग फिल्म है सतीश कौशिक की मिर्ग, क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पर कितना बज़ है इसका और आप देखने जाएंगे क्या ये शो? हाँ, मैं तो देखने जाऊंगा, सतीश कौशिक जी का बेसिकली फिल्म्स तो देखता ही हूँ मैं, बहुत सारा देखता हूँ, और सतीश कौशिक जी का है तो चलेगी बेसिकली, कहीं ना कहीं ये चलेगी करके
कहीं ना कहीं ये फिल्म यूथ को इंस्पायर कर रही है, फिल्म का मैसेज दे रही है कहीं ना कहीं, और फैंस का भी काफ़ी इस फिल्म से अब इमोशनल अटैचमेंट लगता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी वो जनरेशन के हिसाब से जैसे फिल्म देखेंगे लोग उस हिसाब से वो कमेंट करेंगे, वो अभी रिलीज़ होने के बाद देखते हैं क्या होता है, बेसिकली मैं तो देखूँगा। वेल, देखा आपने सतीश कौशिक की फिल्म मिर्क को लेकर ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड है। इस फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में बताना हमें ना भूले। आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए बजुका के साथ।